तो ये हमारी एंट्रेंस कुछ ऐसी दिखती है। खोलते ही यू गेट दिस व्यू ऑफ दिस ब्यूटिफुल विला। दे आर एंजॉइंग हियर, चिलिंग हियर मॉर्निंग। एक्चुअली इट्स द डे टू एट मुन्नार एंड सब, हम सिर्फ चार लोग हैं जो उठे हुए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। एंड दीज आर द बाइक्स। सो दिस इज आर टी आर, दिस इज आर आर, आर 15, मिट्योर, बी एम डब्ल्यू एंड एफ सेट। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप सेटअप बैठा सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द पूल। यहाँ से जो पानी आता है वो सीधा रिवर वाटर है जो आ रहा है। अभी तो नहीं आ रहा है सुबह सुबह, बट यहाँ से फ्लो होता है। दिस इज़ वेयर यू कैन सिट। इट्स अ पाथवे, मतलब चारों तरफ घर के आप ऐसे घूम सकते हो। एंड लेट मी शो यू द एंट्रेंस। सो या, दिस इज द एंट्रेंस। प्लीज पार्डन मी फॉर दिस कप्स बिकॉज पार्टी हुई है, सो काइंडली इग्नोर दिस, इट्स बिट मेसी राइट नाउ। इट्स फॉर द इन हाउस कुक, टेलीविजन एंड टू योर स्ट्रेट इज द डाइनिंग एरिया जहाँ पे अभी हमारे कपड़े हैं। एंड इधर भी एक आउटसाइड व्यू है। एक्चुअली यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेंटिलेशन भी मिल जाता है इधर। एंड टू योर राइट ऑल्सो, दिस इज द फर्स्ट रूम, पीपल माइट बी स्लीपिंग हियर। स्मॉल रूम, दिस इज द सेकेंड बेडरूम। दिस इज द थर्ड रूम, दिस इज माई रूम। एंड दिस इज द विंडो। Washroom is very small, tiny tiny washroom. Let me take you to the first floor. So it's like जब नानी के घर जाओ तो बेड जुड़े हुए मिलते हैं ना, सब पड़े रहते हैं, वैसे ही कुछ ऐसा है यहाँ पे। मनी फ्रॉम बोथ द पार्टीज, ओनर का गलती है वो। मैं कहां कह रहा हूं, आपकी गलती है। तो वो चूतिया अभी बता रहा है कि और एक दिखाएंगे, हम वहां चले जाओ। हम लोग कॉम्प्रोमाइज होके जाने के लिए रेडी है, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है, राइट? मैं तो पैसे बात कर रहा हूं, गुस्सा तो आप। तो आप पहले जाके वहां पे, नहीं नहीं, आप पहले वहां पे सामान लगा के ऐसे बात कर रहे थे जैसे आपने खरीद लिया। अरे नहीं, हमको भी यहाँ। So now the point is, I told you guys ki try not to book this villa. There is a reason behind that. So जब हम आए, हमारी बुकिंग भी थी और भी लोग आए। हमारी बुकिंग तो थी ही इस पूरे प्राइवेट विला की, मतलब हमने पूरा विला बुक करा हुआ था। तीन फैमिलीज और आ गई जिन्होंने बोला कि उन्होंने भी ये विला बुक करा हुआ है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि अब ओनर ने सबकी एक्सेप्ट करी हुई थी, एंड नाउ दे आर सेइंग कि अब मैं विला उसको दूंगा जिसकी सबसे पहली बुकिंग कन्फर्म हुई होगी। तो अब हम 500 किलोमीटर चल के आए हैं, हमारे सर पे छत नहीं है, और हम ये सोचे कि हमें जाना कहाँ है। और हमने ये बुक किया क्योंकि हमें पूरा प्राइवेट
विला ही चाहिए था और ये हमारे अफोर्डेबल प्राइस में पड़ रहा था, बजट के अंदर पड़ रहा था। तो नाउ द ओनर वाज सेइंग कि हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आपको वहीं ही जाना पड़ेगा। इवन दो जो बाकी पार्टीज आई थी दे वर अग्रीइंग टू द पॉइंट कि भैया हम चले जा रहे हैं, आप लोग यहीं रह लो क्योंकि आप लोग आए थे पहले। तो उसमें थोड़ी सी बहस हो गई, थोड़े क्लैशेस ऑफ ओपिनियन हो गए, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा हमारा, हमें उनका कुछ अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा गर्म हो गया था कल। उसकी क्लिप्स मैं नहीं दिखाऊंगी या दिखाऊंगी पता नहीं, अभी नहीं पता है मुझे कि मैं दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी। बट जब आप इतनी दूर से आओ और आपको पता चले कि आपके पास पैसे दे दिए आपने, आपकी बुकिंग भी कंफर्म हो गई है, बट ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली किसी का भी दिमाग तो ख़राब हो गई होगा, तो हमारा भी ऐसे ही हुआ। तो फिर अगर वो अग्री नहीं करते तो फिर हमें जाना पड़ता। इन दैट केस वी वर लकी कि हमें यहाँ रहने को मिल गया, वरना फिर हमें देखना पड़ता कोई और जगह, तो वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाता क्योंकि हम कंटिन्यूस 8-9 घंटे ड्राइव करके आए हैं बाइक पे, हालत ख़राब थी और कुछ भी नहीं खाया था, तो और ऐसा सब कुछ देखने को मिले तो दिमाग किसी का भी ख़राब होगा। दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड दिस इज़ अ वेरी एवरेज विला। द ओनर इज़ वेरी रूड। इन हाउस कुक लिखा था BnB पे, बट देन वी डिडंट गॉट। एक साथ वो इतनी सारी बुकिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास होगा कि उसके पास मतलब Airbnb पे लिख के आता है ना, ओनर हैज़ एक्सेप्टेड योर बुकिंग, तो उसको इतनी सारी बुकिंग्स नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। बाकी तो सब ठीक है, इंडिपेंडेंट है, देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस हियर। वो जो है ना कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है चेक इन एक्सपीरियंस, सो दैट वॉज वर्स्ट फॉर मी। सो दैट इज़ वर्स्ट, अगर आप कहीं जाओ और शुरू में ही आपका दिमाग ख़राब हो जाए तो फिर। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड चेक इन टाइम का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, क्योंकि 2 घंटे हमारे चले गए और हम कल कुछ भी नहीं घूम पाए, सिर्फ हमने यहाँ पे आके पार्टी करी है। तो अब हम आज घूमेंगे और उसकी वजह से हमारा LAP का एक दिन कम हो जाएगा, और अभी ये भी श्योर नहीं है कि अब हम LAP जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। सो देखते हैं, बने रहिएगा व्लॉग में। बट ट्राई नॉट टू बुक दिस विला अगर आपको अपना एक हैजल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, सो दिस इज नॉट द वन फॉर यू, क्योंकि ओनर के लिए दिस इज अ डे, उसके लिए तो भाई डेली का मुझे लगा है कि यही काम है भैया। आई वुड सजेस्ट यू अगर आपके पास और बेटर ऑप्शन है तो डू कंसिडर दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज द एडवाइस, दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम चलते हैं, सुबह सुबह नहाएंगे, फ्रेश होंगे फाइनली। मतलब जब से आए हैं सिर्फ राइडिंग वाले कपड़ों में ही हैं, कुछ पहना नहीं है। तो अब आज सोचा है कि मुनार एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिएगा व्लॉग में अंत तक, जानने के लिए बने रहे हैं हम LAP गए कि नहीं।